ब्लैक बेल्ट है यार। मैं छू ना ब्लैक बेल्ट। भैया तेरे को मान लो मैं कमर पे हूंगा, देखना पड़ता, मैं खुद धुन रहा था जब से। जल्दी दे रहे, वली में बजाना है, दूसरी शादी कर लिए, बुलाया भी ना क्या? अरे बेल्ट दे बा, पॉइंट गिर जा रहा मेरा। बहुत ही जल्दी दिख रही वली में की। हो गया खुश, अब लाता बेल्ट। शर्फू भाई अब इतना लूज पैंट पहने कहीं को? नहीं रे, खाने के टेबल पे बेल्ट खोल लेता हूँ, खाना खाए बाद बेल्ट की भी जरूरत न रहती, समझा? खाने के वास्ते इतनी प्लानिंग करे आज तक कोई सुना ही नहीं। मैं ले ले क्या रो? क्या कर रहे हैं तुम? पेंटिंग बना रही हूँ मोनालिसा की। मेरे अम्मी मोनालिसा तो है लेकिन तुम डाविंची नहीं है, जरा देख के मेकअप करो। सटल अबा, सटल कैसा रहता जरा बताओ ना, मेरे को तो नहीं आता प्लीज। जैनब अगर मेकअप भी मैं बता तुम आकर घर में करेंगे क्या? नहीं, आप एडवाइस किसको दे रहे हैं? जैसा आपको बहुत मालूम मेकअप के बारे में। बड़ी बात से तो वाह, मेरे को हर फील्ड में हर चीज मालूम है। अरे 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 अरे, पूरा गलत उतारे तुम, रब करो। अरे ग्लॉस लुक चले गएगा, मैट जाना था। शाहरुख सही सही बोलो, किसके साथ फिर रहे आप आजकल? ये ग्लॉस लुक मैट लुक आपको कैसा मालूम? अम्मी सो रही है। हाँ मैं जाके शर्फू भाई को बेल्ट दे देगा, तो तुम जब तक पानी मार के फाउंडेशन डालो। ठीक है जैसा आप बोले। अल्लाह हर चीज को तुम ऐसी सुन लिया तो मेरी मैन कैन ओनली ड्रीम। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद ही घंटा दबाओ। शर्फू भाई ब्राउन मिला चलता। दे दे रे, अब मैं क्या करता मालूम, ये शर्ट को इनमें से आउट कर लेता हूँ और बेल्ट को छुपा लेता हूँ। अरे शर्फू भाई लेकिन एक ही बेल्ट है, मेरे को भी होना है। अरे दे रे, पड़ोसियों का हक रिश्तेदारों से ज्यादा होता रे। अरे रिश्तेदारों का हक कहाँ से आ गया, मेरा हक है मेरे को होने का है। तेरी नीयत अच्छी नहीं है रे, इस वहां से आगे नहीं बढ़ा देख। अरे खुद भी बोल देता क्या शर्फू भाई, ठीक है लगा लो। वैसे कौन से फंक्शन हॉल में है तुम लोगों की दावत? दुल्हन वही जो पिया मन भाए, शादी खाना वही जो हर एक को पसंद आए, निजाम फंक्शन हॉल। क्या हुआ? सही बोला, मेरी भी वही है दावत। दूल्हे की साइड या दुल्हन की? दुल्हन। हमला दूल्हे की। मैं सुना दूल्हा बहुत जायज मंगा करते ना, अलमारी से लेके फ्रिज तक डबल डरोना बना करते। हाँ, क्या आएगी नहीं मालूम, हमारे दूर के रिश्तेदार है वो, मैं नहीं जा रहा था, अम्मी जबरदस्ती करे चलो बोल तो चल रहा हूँ। और अच्छा करे आप ये बात बोल दिए, खा के निकल जाता हूँ, दूल्हे से भी नहीं मिलता। मैं कौन सा दुल्हन से मिलता हूँ, खाना खाता हूँ निकल के आ जाता हूँ। वही बोल रहा हूँ, ये घर से जिनकी हंसने की आवाज कहाँ से आ रही? तुम फिर आ गए? मैं तो रोज आता हूँ, ये बोलो तुम कहीं को आए? बेल्ट में। मैं सॉक्स लेने आया। शार्क ब्लैक सॉक्स है तेरे पास? अरे क्या मिया, सॉक्स भी मंगे पहनते। शार्क इन्हें खाता मेरे से। नको, अब वली में खाना है। खाली स्टार्टर ना देता हूँ, अपन मेन कोर्स के आदमी है। देख भाई अपन दोनों का 36 का आंकड़ा है, आज से एक दूसरे को अनजान मारेंगे। तू भी सुकून से रहे, मैं भी सुकून से रहता हूँ। शुरू से मैं अनजान मारता हूँ, तुम ही चाके लगते मेरे को। अरे शर्फू भाई आप खुद बेल्ट मांगने आया ना, मामू सॉक्स पूछ रहे तो ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं शार्क, तू सॉक्स लेके आ, WWF के मैनकाइंड के जैसा इसके मुंह में सॉक्स घुसड़ देता हूँ, जब इस खामोश बढ़ता ही नहीं। अब आप दोनों सुकून से पानी पी के बैठो, मैं सॉक्स ले लेके आता हूँ। क्या बेल्ट पहना के आ रहे थे आप? कब से वेट कर रहा हूँ मैं आपकी एक्सपर्ट एडवाइस का, जल्दी जल्दी बोलो क्या करना है। पूरों को मस्त तैयार करना हो गया, ये पूरा इधर दे दो तुम मेरे को। फाउंडेशन डाल दिए? हाँ डाल दिए। पिलर ना खड़ो, ये है अपनी सीमेंट, इवनली लिपो। क्वेश्चन ना होगा मैं। अब क्या करो? ये ईंटा बिछाओ। ठीक। हो गया ना? सीधा कुछ भी नहीं, पानी मारना है अच्छे से मारो। क्या है जितना ईंटा जो है पानी अब्सॉर्ब करेंगे ना उतना सेट रहता, शादी खाने में ऐसी नहीं है कहते। बन गया आपका घर? घर तो बन गया लेकिन लिफ्ट की कमी दिख रही। अब क्या फिलर ना लगाओ बोल रहे? तोबा करो। वली में को तैयार करी नहीं, सर्कस में परफॉर्म करा रही। अम्मी मैं आपको जीनत अमान बनाई थी, इन्हों आके आपको हार्ली क्विन बना दिया ना। पापा को जोकर बनाया क्या? अब्बा अम्मी पॉप कल्चर रेफरेंस, आखिरी कूल है मेरी अम्मी। और जैनब वो मजाक कर रहा है, तुम सही में वैसी मेकअप कर देते। अरे इतने साल हो गए शादी हो गए आज तक नहीं समझे इन्होंने। हाँ तो कई को सुनी है उसकी बात भी, मैं देखना चाह रही हूँ क्या बताते बोल के। मेरे को क्या वो लैब का चूहा समझी, टेस्टिंग करते सो। जैनब तुम ना मेकअप आर्टिस्ट है ना अम्मी इन्फ्लुएंसर है, जो तुम इनको बुला के इन पे कला दिखा रहे सो। मैं मेरी दूसरी कला दिखाने से पहले आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। अरे यारो वो मामू को सॉक्स धोने आया था, मैं किधर यहीं थे कहीं। मामू के साथ वो चुड़ैल भी आई क्या? मामी नहीं दिखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या आपा मेरे हील्स पे नजर दिख रही,
ज्यादा नको घूरो, शादी खाने को गए तक टूट जाएंगी। अच्छा दावत में जा रहे हैं बोल के पैर सीधे कर ले क्या अर्शद? आप मेरे को चुड़ैल बोल रहे हैं, लेकिन मेकअप से तो आप चुड़ैल दिख रहे, कई को कर लिया ऐसा मेकअप? अरे सॉक्स, मामू सॉक्स। अरे शर्फू भाई, हम यहीं बैठ गए क्या? नहीं जाना है? जुलिया आंटी को बुला लिया, पूरे साथ निकलेंगे, मंजिल तो एक ही है। मंजिल तो एक है, मगर इनू हम सफर रहे तो पूरा सफर वैगन में मिल जाता। मामू आप सॉक्स तो पहन लो। जूते बाहर है, जाते वक्त पहन तो वही रख दे। मैं वही बोल रहा हूँ, पप्पा कहा तो भी है बोल के जब से फूल तैयार हो रहे थे। भाईजान हल्लू बहाने बना के जनाने में दाखिल होने का प्लान दिख रहा है आपका? हाँ क्या बात कर रहे हैं, अपन वन वुमेन मैन है, सोलो हीरो है अपन। मैं कब बोला मल्टी वुमेन मैन है बोल के? आपा से भी मिलने जा सकते लेडीज में। क्या हुआ मियां, भूल गया टाई बनना? अरे नहीं पापा, लास्ट में क्या है स्कूल में बना था टाई, इतना ही ज्यादा समोसा आना बोल के, लेकिन अब पकौड़ी भी नहीं आ रही। अब क्या करूँ इसका, मैं बनता हूँ। जैनब अम्मी का मेकअप हो गया तो जरा मेरा हेयर स्टाइल कर दो ना। अम्मी मेरा भी हेयर एंड मेकअप अभी बाकी है। थैंक्स बेटा, वैसे अम्मी को अच्छा दिखाते दिखाते थक गए होंगे नहीं तुम? मेरा मेकअप छोड़ो, तुम्हारा घोंसला सही करने को टाइम लगता अभी। जैनब देख के जुआ चल के तुम्हारे बालों में आ जाएंगे कहीं। जैनब अम्मी का मेकअप करने के बाद वो ब्रश फेंक दो, ये तो तुम्हारे मुंह पे फोड़े हो जाएंगे। वो क्या है कि ना तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है ना, इसके वजह से बोल रही थी मैं। अरे क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं सोची थी पहले टेबल पे बैठेंगे बोल के, तुम लोग भी ऐसा तैयार हो रहे, तुम लोग दूल्हा ना है जैसा। शादियाँ हो गए सबके, हो गया गया, अपन जाना 101 हाथ में रखना, खाना खा लेना जाना अपन। आप भी चल रहे शादी में बिना दावत के, ऐसे घुस जाना कितना बड़ा गुनाह है मालूम आपको? बोलिए अम्मी। अरे क्या बोल रहे जी तुम लोग दूल्हे वालों तरफ से है, हम लोग दुल्हन वालों तरफ से है, सेम दावत है। अरे शादी में नहीं दिखे ना जी फिर तुम? शादी में खाली हलीम रखे थे, इस वास्ते नो बोले डायरेक्ट वाली में चले जाएंगे बोले। अरे क्या बाजी, निकाह इम्पोर्टेंट रहता ना जी? अरे वो दुल्हन दूल्हा के वास्ते, अपने वास्ते नहीं जी। अरे हटो जी, मैं क्या बनता हूँ? अरे मैं बनता जी। अरे मैं बनता जी। अरे मैं बनता। अरे मैं बनता जी। पहले डिसाइड करो मेरी नली मचल जा रही। अरे मैं बनता जी। अरे अरे हट, मेरे को बनना ही नहीं है, नली मचल जा रही भी। वैसे भी भाई साहब आपको टाई सूट नहीं कर रही? रिजवान मियां मैं पहन लूं, ये मेरे शर्ट पे मैच करती। मैं इनका सालार है कि नहीं पूछ रहा हूँ, तुम नीचे के फ्लैट से आके पूछ रहे हैं। भाईजान एक काम करो, ये टाई आज मेरे को दे दो, कहीं को बोले तो आज लेडीज के खाने के ऊपर मैं हूँ इंतजाम में। हाँ जरा क्या है बोले तो जरा है। वो तो नहीं यूट्यूब ले उसको नहीं कटकुंडा। क्या बोल के गए नू? इन्हें तेलुगु में बोलिए, यूट्यूब पे देख के पढ़ लेते हैं हमारे। आए आइए मम्मी बैठ जाइए, आपका हेयर स्टाइल कर देते हैं। ठहरो ठहरो, मेरा खत्म करो पहले। हो गया मम्मी बस? नहीं नहीं, आँख के नीचे सही नहीं दिख रहा, सही करो। मैं मम्मी को नहीं करना बोल के आप बोल रहे? नहीं मैं खुद भी रेडी होना है। नहीं ये कर दे हो जाता, उसके बाद में मैं तेरे को तैयार कर देती हूँ। अरे तुमको सही हेयर स्टाइल कर रहे जी, ये अच्छा दिख रहा, मैं तो अभी आईब्रो नहीं बनाई। जैनब लक्कर है तो दियो, अब तुम लोग अभी सोप कर ले रहे, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अब आपके आईब्रोज प्लग करते बैठे तक जुमागी आ जाती। जैनब पहले जुलेखा आंटी का करो तुम। अरे पहले लाइन में मैं थी। ये पार्लर नहीं होता, जो पहले आए उनका करके भी जाने, फुकट में काम हो रहा है, सबर कर लेना। पड़ोसियों का हक रिश्तेदारों से पहले होता। ये हक नहीं बेहक है, चीटिंग कर रहे आप लोग। तुम लोग नंदा भाज जा लड़ लो, जब तक मैं मेरा तो भी करा लेती हूँ। फिर मैं मेरा कब करूँ? आई क्या जरूरत है जी तुम्हारे को कुछ भी करने की, बला की खूबसूरती है। आ जाइए आप, इसमें आपको कर देती हूँ। ऐसा चढ़ा के काम निकाल लेना। अरे क्या पापा, यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिला क्या? नहीं नहीं, उस पे देख के बना, नया फैशन है। लिबोरे ले लो, लिबोरे ले लो। जरा परफ्यूम तो ले क्या, ये शर्फू के पास से पसीने की बोई तो ज्यादा। क्या बोल रहे हैं जी, महंगा परफ्यूम लगाया मैं। हाँ परफ्यूम लगाए, वो परफ्यूम के टॉप नोट्स में लेमन रोजमेरी और बगल का पसीना है क्या? मामू मैं ले गया आ रहा हूँ परफ्यूम। शर्फू मियां आप भी हमारे साथ चल रहे क्या? अरे हाँ सेम दावत है अपनी, कितने वक्त बोलो मैं? मेरे को तो ये खत भी नहीं बोले। हम लोगों को दुल्हन के सेट से आई, तुम लोग दूल्हे के सेट के है? वैसे दुल्हन के कौन हो ना? पेशेंट थी मेरी। गनीमत जिंदा है। हाँ
ओहो पूरे लेडीज लाइटा मार रहे हैं वो। मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा लाइटा मारने। अच्छा जैनब वहां से जरा मेरा परफ्यूम दियो ना। अरे वो नको बहुत महंगा है, बाहर लेके गया ना मामू शर्फू भाई पापा पूरा खत्म कर देते, पीछे वो एक्स वैक्स होगा देखो। अरे पूरा क्या वाइफ यहाँ बैठे हो सब भूल गया हमें, जान दो वॉइस दे दो। जैनब तुम्हारा मियाँ इतना बखील का ही है। बखील क्या? खैर तुम्हारा प्लग कर अब तक नहीं मिला। मैं यही रखी थी, मिल रहा नहीं। यहाँ से उठा के कहाँ रखे फिर? शार्क प्लान सुन। हाँ आपने को पहले टेबल पे बैठना है और मैं जो चीज नको बोला ना तू वही डालते रहना मेरे को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला शार्क मैं प्रॉन्स नहीं खाता, तू तो मेरे को प्रॉन्स ही डालते रहे है? समझ गया। और ज्यादा डालना क्या बोल रहा हूँ? समझ गया। सेम स्ट्रेंजर थिंग्स अपसाइड डाउन। अपन तो खाली स्टार्टर पे इक्तफा कर दिए, कई को बोले तो 9 बजे के बाद खाए तो सीने पे रहता एसिडिटी होते जाती। शर्फू मियां इन लोग खाना बहुत जबरदस्त खिलाते, भले शादी खाना छोटा लेते, पुराने कपड़े पहनते, बाजा खुद ही बजा लेते, दूल्हा ऑटो में आता, बारात शेयरिंग में जाती, मगर इनके जैसा शहर में खाना कोई भी नहीं खिलाते। चलो निकलेंगे, भूख से दम जा रहा। अरे वो जनाना भी रेडी नहीं हुआ शायद। अरे वो लोग रेडी हुए तक कितने की आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते वहाँ पे, पहले समंदर की गिजा साफ हो जाती। हाँ आइडिया तो सही दिख रहा, फंक्शन हॉल भी नजदीक है, आराम से खा के आ जा सकते हैं। अपने बीवी पुकार लिए तो। अरे मालूम ही नहीं होता अपन खा लेके आए तक उन लोग रूम से नहीं निकलते। सही बोल रहे हैं शर्फू भाई, मैं देख के अभी बहुत काम बाकी है। एक काम करेंगे, जाते पहले दूल्हे से गले मिलेंगे, बाद में खाना खाएंगे, ठीक है? जान दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता। लेट्स गो। अरे गुल्लू दादा का डायलॉग है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे? वो नीचे जा रहे थे हम ना, टहलने, भूख खुलती ना। क्या? अच्छा शाहरुख सुनो, वो ऊपर के खाने में कुछ रखा हुआ है, मेरा हाथ नहीं जा रहा, जरा हेल्प कर दो ना आके। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। अरे दरवाजा लगाओ मियां, मच्छर आते। जल्दी आओ। ओफो जब भी मैं रूम में आ रहा हूँ पूरा के सुराता चेंज होते जा रहे हैं। कहाँ से? अभी मेरी हेयर स्टाइल ही नहीं हुई। आप ऊपर से प्लकर निकाल के तो मेरा हाथ नहीं जा रहा। अब तक प्लकर में जल्दी करो यार। अरे मेरे को यार सांस लेने की टाइम नहीं है, निकालो, ज्यादा बात मत करो आप। चलो ठीक है आराम से करो। मुझे जल्दी से दे दो खाना, मैंने कल से नहीं खाया खाना, भूख लगी भूख लगी भूख लगी। अरे गाड़ी की चाबी। आई पूरे कई को खोल दी बाला, चुड़ैल अपना फुल फॉर्म ले लेंगे ना। आई तुम्हारे बाला देखे तो मेरे को मेरे बाला याद आ रहे, ऐसे कमर तक थे। शर्फ कटा लो बोले तो कटा ली मैं। अरे ऐसा कैसा बोल सकते, अपना भी कुछ राइट रहता नहीं, उन्हें कटाओ बोले तो आप कटा लिए, नहीं कटाना था। आई वो मोहरियां जाम हो जा रहे थे जी, तो बिल्डिंग वालों के पास से कंप्लेंट आई, इस वास्ते कटा लेना पड़ा मेरे। वाइज डिसीजन। वाकई भाईजान खाना जबरदस्त था, मजा आ गया, अब एक कड़क चाय मिल गई तो अच्छा है, क्या बोलता शार्क? अरे आखिरी खाना था, अच्छा हुआ मैं आया, मैं आने वाला था मालूम, अम्मी जिद कर रहे चलो बोल के, इन लोगों के आज खाना अच्छा रहता बोल के, अब से इन लोगों के दावा था मिस नहीं कर रहा, छोटा भाई भी है इनका। अपन जिस तरीके से खाना खाए, चाय की चुस्की और कलकत्ते में मीनाक्षी पान जरूरी है। आगे जबरदस्त चाय की होटल, पान का डब्बा है, पान का डब्बा नहीं है शायद, चाय जबरदस्त है वहाँ, ले लेंगे। ये शर्फू की आवाज नहीं आ रही मेरे को, आके पढ़ा सो देखो। अरे शर्फू भाई तो टेबल पे चुंगना शुरू कर दिए थे मिट्टा खाते की। ये डॉक्टर खुद आधा बीमार है, कहीं शुगर हाई होके कोमा में तो नहीं चलेगा? ठहरो इसकी कान में उंगली करता हूँ। अरे क्या हुआ जी? शिट। क्या डॉक्टर खाली स्टार्टर खाते हो बल्कि टेबल पे चुकंदर तक नहीं छोड़े तुम? अरे हजम होता जी चुकंदर से। जिस हिसाब से खाए तुम चुकंदर भी अंदर जाके परेशान हो गया होगा, क्या करूँ इसका बोल के, इस बात से दही की चंडी भी पी लिया। अच्छा करा भाई। बाजी सोना जबरदस्त पहने जी तुम। आई आर्टिफिशियल है पूरा आपा के जैसा। आई अच्छा बोले तुम, पूरा असली है, कतर के देखो। आई कतर के क्या देखना, आजकल फर्क इतने मालूम हो रहा असली नकली में। सही बोले, कैरी करने आना नकली भी असली दिखता,
तुम्हारे तो बहुत प्रैक्टिस है नकली बनने की। आई बस करो जी, तुम लगा वो देखो मॉडल को। नहीं वो मैं मेकअप करते की फोटोज ले लेती हूँ, क्या है ना वहाँ गए तक फ्रेश लुक नहीं रहता फिर। अच्छा फोटो शूट कब खत्म होती तुम्हारी, भूख लग रही है? हो गया चलिए निकलेंगे। वाह तो दबा के खा लिया उस्ताद। हाँ मजा आ गई, जरा भी अच्छा भूल गई पहनना में तो। रोल मित्रों सब चलो जाएंगे। अरे चलो नहीं सारो मेरा मूड खराब हो गया, मैं वो बोमल मच्छी खा के सो जाता हूँ, तू लोग लेके चले जा। नहीं होता मेरे से